आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में गाज माता की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से गाज माता की कृपा से संतान सुख प्राप्त होता है, गई खुशियां लौट आती हैं, वे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधु, गाज माता का व्रत भाद्रपद माह में किया जाता है। यदि किसी के पुत्र पैदा हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो तो उसी वर्ष भाद्रपद माह में किसी भी शुभ दिन को देखकर गाज का व्रत कर उद्यापन कर देना चाहिए। इस दिन 7 जगह 4-4 पूड़ी और हलवा रखकर उस पर 50 रुपए रखते हैं। एक जल के लोटे पर सातिया बनाकर 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर गाज माता की कहानी सुनें। कहानी सुनने के बाद हलवा, पूरी, वस्त्र व रुपए सासू जी के पैर छूकर उन्हें दे दें। बाद में लोटे के जल से भास्कर भगवान को अर्घ दें। इसके बाद 7 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करें। आइए अब सुनते हैं गाज माता की कथा। कथा कहानी के अनुसार एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा के कोई संतान ना थी। राजा रानी संतान के न होने से बड़े दुखी थे। एक दिन रानी ने गाज माता से प्रार्थना की कि अगर उसे गर्भ रह जाए तो वह हलवे की कढ़ाई करेगी। इसके बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा के घर पुत्र पैदा हुआ, परंतु रानी गाज माता की कढ़ाई करना भूल गई। इस पर गाज माता क्रुद्ध हो गई। एक दिन रानी का पुत्र पालने में सो रहा था। आंधी पालने सहित पुत्र को उड़ा ले गई और एक भील भीलनी के घर पालने को रख दिया। जब भील भीलनी जंगल से घर आए तो उन्होंने अपने घर में एक पुत्र को पालने में सोता पाया। भील भीलनी के कोई संतान ना थी। भगवान का आशीर्वाद समझकर भील दंपत्ति बहुत प्रसन्न हुए। एक धोबी राजा और भील दोनों के कपड़े धोता था। धोबी राजा के महल में कपड़े देने गया तो महल में शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उठा कर ले गई। धोबी ने बताया कि मैंने आज एक लड़के को भीलनी के घर में पालने में सोते देखा है। राजा ने भील दंपत्ति को बुलाया। भील दंपत्ति ने कहा कि हम गाज माता का व्रत करते हैं, गाज माता ने ही हमें बेटा दिया है। यह सुनकर रानी को अपनी भूल का एहसास हो गया। रानी गाज माता से प्रार्थना करने लगी कि मेरी भूल के कारण ऐसा हो गया और पश्चाताप करने लगी। हे गाज माता, मेरी भूल क्षमा कर दो, मैं आपकी कढ़ाई अवश्य करूंगी, मेरा पुत्र मुझे वापस ला दो। गाज माता ने प्रसन्न होकर उसका पुत्र उसे वापस ला दिया तथा भील दंपत्ति का घर भी धन से संपन्न हो गया और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तब रानी ने गाज माता का श्रृंगार किया और शुद्ध घी के हलवे की कढ़ाई की। हे गाज माता, जैसे आपने भील दंपत्ति को धन दौलत और पुत्र दिया तथा रानी का पुत्र वापस ला दिया,
उसी तरह हे माता, सबको धन और पुत्र देकर संपन्न रखना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।